झारखंड हाई कोर्ट ने उसके मुताबिक फैसला महसूस कर लिया है। मई 2002 में होने वाले हमले के नतीजे में पार्टी के इंजीनियर समेत 17 मारे गए थे और उसके बाद पुलिस ने आसिफ जहीर और रिजवान को हिरासत में लेकर इन पर यह इल्जाम आयद किया था कि शेरेटन में होने वाले कुछ हमले की इन्होंने मनसूबाबंदी की थी और कुछ हमलावर को मोहम्मद पर काम की थी। जबकि इन हमलावरों के वकील ने अदालत को बताया कि ये दोनों अपराध गुजश्ता 6 साल से जेल में मौजूद है और पुलिस के पास उनके खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह है जो ये बात कह सकते थे कि ये दोनों इस हमले में शरीक थे। इसके बाद अदालत ने इस मुकदमे की समाप्त के बाद इसका फैसला महसूस कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका सर ज्वाइन करने के लिए। उसके साथ ही हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक। मुझे अपडेट के लिए आप साइड आते हैं कि आवाज़ बंद कर सकते।